एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्वेता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज भी एक जबरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत से लोग इसको बना रहे हैं लेकिन मैंने इसको बनाया अपने अंदाज से, एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और ये है हमारी क्रिस्पी ब्रेड स्टिक की रेसिपी। कैसे बनेगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर के बगैर। चलिए हम अपनी क्रिस्पी ब्रेड स्टिक स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे ये चाहिए आलू, और इस आलू में मैं बिल्कुल थोड़ा सा श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस चिकन को आप काली मिर्च और नमक के साथ बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर टिक्का मसाला लगाया है और उसके बाद मैं इसको इसमें यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये आपने इसमें डाला, देन उसके बाद मैं इसमें ये हरा धनिया डाल रही हूँ। आप चाहें बाद में डालें, पहले डालें, डालना है आपको। अच्छा, इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। देन इसमें जाएगा चाट मसाला 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 टीस्पून, उसके बाद इसमें ये ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ये भी हम ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं। अच्छा ये बता दूं, ये सिर्फ दो आलू हैं जिनको मैंने मैश किया, ज़रा बड़े साइज़ के आलू थे। अच्छा, इसके बाद जो इसमें चीज़ जाएगी वो जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, इसमें मैं मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये चली गई। इसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। बस अब आपने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसको हटाएं, इसको मिक्स करें। अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं, थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो ये चिली फ्लेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगेन 1/4 टीस्पून। और मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल इसमें लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं, चिली फ्लेक बढ़ा सकते हैं, इसमें आप जो है थोड़ा सा चाट मसाला इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है कि आप इसको किस तरह से करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। चलें जी। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये डबल रोटी है। फिलहाल मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं, हम इनके कॉर्नर्स को कट कर देंगे। ये कॉर्नर्स हमने कट कर लिए और इन कॉर्नर्स के हम क्रम्ब बना लेंगे। अब इन स्लाइसेस को हम यहाँ से सेंटर में से हाफ करेंगे। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह आप लोग मक्खन यूज़ करते हैं ना, उसकी तरीके से इसके ऊपर लगा दें। मैं बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि फिर वो खाने में बहुत आपको कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। अब ये स्टिक हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो है वो हम इसे अप्लाई करेंगे ताकि स्टिक को ये होल्ड कर ले। इसकी मदद से इसको ये कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम इसे इसके ऊपर रख के प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है ये आप यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, ये जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है ये सब निकाल दें। और ये आपकी चाहें तो आप इसे हाथों से इस तरह प्रेस कर लें। ये आपकी ज़बरदस्ती क्रिस्पी ब्रेड स्टिक जो है वो आधी तैयार हुई है। इसी तरह से हम ये सारी डबल रोटियां तैयार कर लेंगे। जी, तो ये 10 ब्रेड स्टिक्स जो हैं, जो कि क्रिस्पी बनने वाली हैं, बनके तैयार हो गई हैं। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, आप देख लें कितने मजे की लग रही हैं, देखने में भी अच्छी हैं, सर्व करने में भी अच्छी हैं। साइड से बहुत इजीली आप इसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये 10 मिनट के अंदर रेसिपी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसका मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हम इसको डिप कर सकें, तो उसके लिए 1, 2, 3
तीन टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1, 2 and 3, और 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। अब इसमें हमें जो है वो नमक ऐड करना है थोड़ा सा, और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें हम डालेंगे वो है हमारी काली मिर्च। बस अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो गया, अब इसका हम पतला सा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। देख, अब इसको हम इसमें डिप करेंगे इस तरीके से, ठीक। हर तरफ से आपको लगाना है, किया हल्के हाथों से करना है हमें, ठीक है। ये आपने ब्रेड क्रम्स में डाला, ये देखें, इसको भी हम यहां रख देंगे। नेक्स्ट ब्रेड स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ज़िपलॉक बैग में डालिए और फ्रीज कर दीजिए, जब तलना हो बाहर निकालें और फटाफट इसको ऑयल में डाल दें। बाहर निकाल के इसको सॉगी नहीं होने दीजिएगा, अगर ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर ये सारा तेल पी जाएगी। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तेल जो है वो तेज़ गर्म है और ये हाई फ्लेम पे ही कुक होगा, इसको बिल्कुल भी लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसमें कुक हुई हैं। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा हुआ है, ज़रा सा एक साइड इसकी तैयार हो जाए तो फिर मैं इसको टर्न कर दूंगी। तो भाई ये बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी ब्रेड स्टिक तैयार हो चुकी है। बड़ी मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत सी इसको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैंने बनाया है थोड़े अपने अंदाज से, इसमें आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, घर में इसको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड खुदा हाफिज़।